आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में हिंदू मुस्लिम एकता और सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक हजरत शहीद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्ला अलैह का उर्स शनिवार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। लगभग 200 वर्ष पुराने दरगाह में 3 दिवसीय उर्स बड़े ही शान और शौकत के साथ मनाया गया, जिसमें काफी संख्या से लोग दूर दराज से पहुंचे हैं। रीवा शहर के कला मंदिर के पास हजरत सईद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्ला अलैह की मजार शरीफ मौजूद है, जहां पर हर धर्म के लोग पहुंचते हैं। शनिवार को मुल्क व मिल्लत की सलामती, अमन चैन कायम होने तथा तमाम किस्म की आफतों से निजात दिलाने तथा भाईचारा कायम करने की दुआओं के साथ पूरे एहतराम व अकीदत के साथ 3 दिवसीय उर्स बड़े ही धूमधाम के साथ सम्पन्न हुआ है। उर्स का आयोजन 1 तारीख से शुरू हुआ। इसमें गुसल कुरान खानी से उर्स की शुरुआत हुई और जायरीनों के लिए 3 दिन लंगर का अहतमाम किया गया। इस मौके पर मरहूम शकूर खान के फोर्ट रोड स्थित पुराने मकान से उर्स के 3रे दिन शाही संदल और चादर पेश की गई, जो जुलूस के रूप में फोर्ट रोड होते हुए कला मंदिर हजरत शहीद अब्दुल्ला शाह की दरगाह पहुंचा। रीवा शहर का यह दरगाह 200 वर्ष से भी पुराना बताया जा रहा है और यह हिंदू और मुस्लिम भाईचारे का एक जीता जागता नमूना है। ऐसा मानना है कि जो भी इस दरगाह में आकर दिल से दुआ मांगता है, उसकी दुआ खाली नहीं जाती और यहाँ पर सभी धर्म के लोग अपनी और अपने घर वालों के हक में दुआ करते हैं। इस उर्स में रीवा से ही नहीं बल्कि विंध्य क्षेत्र से जायरीन आते हैं और यह उर्स हर साल 1 जून से शुरू होकर 3 जून तक चलता है। आज बाबा सईद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्ला अलैहि पाक का सालाना उर्स मुबारक पाक है। हर साल 1, 2 और 3 जून को बड़ी शान और शौकत से इस उर्स को मनाया जाता है। हमारे बाबा का लगभग 150 से 200 साल पुराना इतिहास है और रीवा ही नहीं, रीवा शहर ही नहीं, रीवा जिले के कोने कोने से जायरीन और बाबा से मोहब्बत करने वाले जायरीन यहाँ आते हैं और अपना माथा टेकते हैं और अपनी मुरादों को मांगते हैं। और ये आपको मैं बताऊं कि जो भी सच्चे मन से इस संत की, इस सूफी संत के दरबार में आता है और अकीदे के साथ जो भी दुआ मांगता है वो दुआ कबूल होती है। आज उर्स का 3रा दिन है और इस 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, तीनों तारीख बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस उर्स में 3 तारीख का कुछ ज़्यादा ही महत्व होता है, क्योंकि जायरीनों को आना तो 1 तारीख से चालू हो जाता है, लेकिन 3 तारीख को कई ऐसी जगह है जहां पर से बाबा का शाही संदल आता है और चादर पोसी होती है। जैसे आज फोर्ट रोड स्थित एसके स्कूल के पास मरहूम मोहम्मद शकूर खान साहब के घर से, जो पुराने खादिम थे, उनके घर से इस बार भी बहुत शान शौकत के साथ संदल आया और बाबा के सामने चादर पोसी हुई है, जिसमें हजारों जायरीनों ने हिस्सा लिया और अपनी दिल की मुराद मांगी। उर्स मुबारक में 1 तारीख से लेके लगातार 3 दिनों तक वृहद रूप से, बहुत बड़े रूप से भंडारे का आयोजन, लंगर का आयोजन किया जाता है, जिस आयोजन में केवल मुस्लिम समाज ही नहीं, हमारे रीवा जिले के हिंदू समाज के लोग भी जो यहाँ से आस्था रखते हैं, जिनकी मान्यता होती है, जो मन की मान्यता पूरी होती है, वो दूर दूर से आते हैं और अपनी मान्यता मांगते हैं यहाँ पर, जिसमें 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक के बीच में वृहद भंडारा होता है और आप खुद देख रहे हैं कि बाबा के चाहने वाले हजारों हजारों लोग यहाँ पे